हेलो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर टू दैट इज पॉलीनोमियल्स सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोम यू हैव गि पोलिनोम फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एट एक्स इज इक्स टू जीरो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे एट एक्स इज इक्वल जीरो पे दिस मीन्स एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है जीरो पुट करनी है सो लेटर स्टार्ट फाइव जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दो फाइव इंटू ज़ीरो माइनस फोर इंटू ज़ीरो स्क्वा प्लस थ्री सो वॉट यू विल गेट फाइव इंटू ज़ीरो 0 माइनस फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा आपके पास प्लस थ्री सो एट द एंड यू विल गेट थ्री एज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट राइट नाउ यू विल पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप माइनस वन पुट करोगे फाइव इंटू माइनस वन माइनस फोर इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री सो फाइव इंटू माइनस वन इज़ माइनस फाइव नाउ सी माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है आपके पास वन होता है अगर नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है और माइनस फोर तो है ही आपके पास सो माइनस फोर प्लस 3. now solve minus 5 minus 4 is minus 9 and minus 9 plus 3 you will get minus 6 right students now let us do the last part x is equals to 2 now you will put the value of x equals to 2 5 into 2 minus 4 into 2 ka square plus 3 so you will get 10 minus 2 to the 4 टू का स्क्वायर कर रहे तो फोर हुआ फोर फोर 16 प्लस थ्री सो विल गेट थर्टीन माइनस थ्री सो द आंसर इज माइनस थ्री फॉर द थर्ड पार्ट राइट राइट स्टूडेंट्स सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन फाइंड पी ऑफ जीरो आपको क्या करना है सेकेंड क्वेश्चन में पी ऑफ ज़ीरो निकालना है पी ऑफ वन निकालना है पी ऑफ टू निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनॉमिल्स पहले आपके पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो पहले मैं पी ऑफ जीरो फाइंड आउट करती हूँ पी ऑफ़ जीरो का मीनिंग क्या है कि जहाँ पे वाई है ठीक है उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे जीरो से सो ज़ीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन वॉट यू विल गेट जीरो माइनस ज़ीरो तो जीरो हो गया आपके पास प्लस वन सो पी ऑफ जीरो की वैल्यू प्लस वन आ गई उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं पी ऑफ वन अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे आप वन सो वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन सॉल्व करते हैं वन का स्क्वायर कितना होता है वन माइनस वन प्लस वन वन माइनस वन जीरो एंड यू विल गेट वन एज द आंसर एंड नाव यू विल पुट पी ऑफ टू हेयर पी ऑफ टू पुट करते हैं मीन्स वाई की जगह आप क्या पुट करोगे यहाँ पे टू पुट करोगे टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन दिस इज़ वेरी ईजी टू स्क्वायर इज फोर माइनस टू प्लस वन सो फोर माइनस टू इज टू प्लस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री सो पी ऑफ टू पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास थ्री आपको ये पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू सारे पार्ट्स में फाइंड आउट करना है लेटस्ट मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट अब सेकेंड पार्ट में फिर से आप क्या फाइंड आउट करोगे पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू राइट पी ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं टू प्लस वन प्लस टू ये आपके पास टू प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब है तो यहाँ पे टी की जगह आप क्या पुट करोगे जीरो स्क्वाइनस जीरो एंड टू इंटू जीरो जीरो हो गया आपके पास माइनस जीरो वॉट यू विल गेट थ्री ओके अगर यहाँ पे वन की जगह टी होता तो आप क्या पुट कर देते इसको जीरो और फिर आंसर कितना आ जाता आपके पास टू आ जाता राइट right?

वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं जबकि इसका मीनिंग क्या है वन का क्यूब मीन्स वन इज मल्टीप्लाइंग थ्री टाइम्स सो नाउ यू विल पुट टू टू क्यूब टू टू ज फोर टू जट सो एट इज द आंसर राइट स्टूडेंट्स सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आपको इसमें भी कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू आप इसमें डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो या आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद जो आता है उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो ओके okay? सो so आप जैसे आपको बेटर लगता है आप वैसे कर सकते हो पहले मैं जीरो पुट करती हूँ जीरो माइनस वन ज़ीरो प्लस वन ये कितना बना ज़ीरो माइनस वन इज माइनस वन ये ब्रैकेट में है तो दिस मीन्स ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन तो आंसर कितना आ गया माइनस वन पी ऑफ वन वन पुट करते हैं वन माइनस वन वन वन, वन प्लस माइनस वन जीरो हो गया जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट जीरो एज द आंसर नाउ यू विल पुट टू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन टू माइनस वन इज वन इंटू टू प्लस वन इज थ्री वॉट यू विल गेट थ्री सो थ्री इज द आंसर इज द क्लियर स्टूडेंट्स सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू लेटस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम अब हमें चेक करना है कि क्या ये ज़ीरो ऑफ़ द पॉलिनियल हैं जो आपके पास गिवन है वॉट इज ज़ीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल क्या होता है ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल की जिससे पॉलिनोमियल का आंसर आपके पास क्या आ जाए ज़ीरो आ जाए तो हम लेटेस्ट चेक क्या ये जीरो है आपके पास फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री गिवन है तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट कर दोगे माइनस वन बाई थ्री तो चेक करते हैं क्या माइनस वन बाई थ्री पुट करने से आंसर जीरो आ रहा है अगर जीरो आता है तो यस दिस इज द जीरो ऑफ़ द पॉलिनॉमियल अगर नहीं आता नो दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल सो थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन सी थ्री से थ्री कैंसिल वॉट यू विल गेट माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन एंड आंसर इज ज़ीरो सो यू विल राइट यस माइनस वन बाई थ्री इज़ द ज़ीरो ऑफ़ द पॉलीनॉमिल थ्री एक्स प्लस वन लेट इज़ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस फाइव ना यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज फोर 5 अब आप की वैल्यू क्या पुट करोगे फोर बाय फाइव तो वैल्यू पुट करते हैं P e of 4 by 5 is equals to 5 into 4 by 5 minus pi. 5 say 5 cancel. What you will get 4 minus pi. No need to put the value of pi. Let it as it is, right? So you will get 4 minus pi. Answer is not coming to zero. So you will say no. X is equals to 4 by 5 is not the zero of the polynomial, right? let us move on to the third part third part we have given two parts x is equals to 1 and minus 1 first of all i will put 1 1 square minus 1 what you will get zero so yes one is the zeros of the polynomial okay zero of the polynomial now check for minus 1 minus 1 माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन वट इज माइनस वन का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आंसर आता है वन माइनस वन कितना आ गया आंसर जीरो सो येस माइनस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल राइट स्टूडेंट्स सो अस मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इन टू एक्स माइनस टू तो आपके पास यहाँ पे भी, भी दो वैल्यूज पुट करनी है एक माइनस वन और एक टू तो पहले मैं पुट करती हूँ पी ऑफ माइनस वन चेक करते हैं माइनस वन प्लस वन वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आएगा ज़ीरो सो so, इस केस में तो येस yes हो गया अब मैं पी ऑफ टू पुट करती हूँ सो टू प्लस वन इंटू टू माइनस टू सी टू माइनस टू जीरो हो जाएगा जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा जीरो सो येस दिस इज ऑल्सो द ज़ीरो ऑफ़ दॉलीनॉमियल राइट स्टूडेंट्स सो डू फिफ्थ पार्ट योर सेल्फ एंड राय द आंसर इन द कमेंट बॉक्स लेटर्स मूव ऑन टू दिक्कत पार्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम Now you will put the value of x is equals to minus m upon l. So p of minus m upon l is equals to l into minus m upon l plus m. LCL cancel. What you will get minus m plus m. kitna answer आ zero. So yes, this is also the zero of the polynomial.

माइनस वन थ्री से थ्री कैंसिल वॉट यू विल गेट वन माइनस वन विच इज इक्वल्स टू जीरो सो येस दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनियल नाउ विल पुट पी ऑफ टू रूट टू अपॉन रूट थ्री पुट करते हैं थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री minus 1. 3 c 3 cancel. What you will get? 4 minus 1 which is equals to 3. No. Okay. So 2 by root 3 is not the 0 of the polynomial. Let us move on to the last part. Do last part yourself and write the answer in the comment box. Okay students. Let us move on to the fourth question. Fourth question is फाइंड द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज हाउ सी हाउ विल फाइंड आउट द जीरो ऑफ़ द पॉलीनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे होता है जो भी पॉलिनोमियल गिवन होता है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो दिस मीन्स पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है एक्स प्लस फाइव जीरो के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फाइव तो जो वैल्यू आई दिस इज द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल इन

टू एक्स प्लस फाइव को जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी फाइव उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड टू मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो माइनस फाइव बाई टू इज द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल सिमिलरली यू विल डू फोर्थ पार्ट थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री टू बाय थ्री जो है वो आपका जीरो ऑफ़ द पॉलीनॉमियल हो गया राइट right, स्टूडेंट्स लेटर्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट इज थ्री एक्स दे रखा है आपके पास थ्री एक्स को जीरो को इक्वल पुट करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा जीरो बाई थ्री एंड मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में ज़ीरो होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है जीरो सो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए थ्री अपॉन्ट ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड सिमिलरली यू विल डू सिक्स पार्ट ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ए जीरो के इक्वल नहीं है तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू जीरो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है जीरो एंड लास्ट पार्ट इज सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो सो एक्स इज इक्वल्स टू डी उधर पॉजिटिव है उधर जाके माइनस डी हो जाएगा एंड सी मल्टीप्लाई में तो सी डिवाइड में क्योंकि उसने बोला है वेयर सी एंड डी आर रियल नंबर्स सी सीओ डी कोई भी रियल नंबर्स गिवन है तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय सी इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल राइट स्टूडेंट सो दिस इज एक्सरसाइज टू पॉइंट टू नाउ विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री फॉर दैट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो